नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। जानेंगे आज की खबरें, लेकिन सबसे पहले नजरें आज के हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर पुलिस ने सिटी सेंटर की दुकानों में हुई चोरियों का किया खुलासा, एक महिला सहित 5 चोर गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के गहरा बाग में महिला ने की फांसी लगाकर आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी। मुजफ्फरनगर के राइफल क्लब में 3 दिवसीय शूटिंग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, राज्य मंत्री और बुढ़ाना विधायक ने उठाया शूटिंग का लुत्फ। मुजफ्फरनगर के सिविल बार एसोसिएशन के नेतृत्व में निकाली गई बाइक रैली, हाईकोर्ट बेंच की उठाई मांग। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हरसोली के ग्रामीण, सट्टेबाजों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। मुजफ्फरनगर के रोहाना चौकी प्रभारी ने समस्त पुलिस स्टाफ की बैठक में दिए आवश्यक दिशा निर्देश। देवबंद के गांव ऊंचा में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जानसर तहसील पर भाकी तोमर ने किया प्रदर्शन, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जानसर कोतवाली में संपूर्ण समाधान दिवस का किया गया आयोजन, डीएम एसएसपी ने सुनी समस्याएं। चरथावल थाने में खड़े वाहनों की नीलामी प्रक्रिया हुई संपन्न, 8,22,000 में छोड़ी गई नीलामी। चरथावल थाना प्रांगण में हुआ समाधान दिवस का आयोजन, एसडीएम और एएसपी ने सुनी समस्याएं। रामराज के पीड़ितों ने सीओ जानसठ से की मुलाकात, चुनावी रंजिश में फंसाने का लगाया आरोप। खतौली थाना क्षेत्र के गांव शेखपुरा के पीड़ितों ने थाने का किया घेराव, मारपीट करने वालों पर कार्रवाई की उठाई मांग।